आईपीएल से पहले विराट ने चला दी गोली, टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे कोहली। जी हां, अफवाहों पर लग गया है विराम और अगले कप्तान की बातों ही बातों में दे दिया है विराट कोहली ने नाम, और वो नाम है अपनी कप्तानी में 5 बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल जिताने वाले रोहित शर्मा का। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ते हुए जो ट्वीट किया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी ये बता देता हूं कि कोहली ने जाते जाते साफ कर दिया है कि वो सिर्फ टी20 की कप्तान सीट खाली कर रहे हैं और वनडे और टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का उनका अभी कोई इरादा नहीं है। विराट के इस ट्वीट के बाद सरप्राइजिंगली सोशल मीडिया पर बहुत स्वागत हुआ है। कई लोगों ने कहा है कि विराट को ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर क्यों? क्या इतने बुरे कैप्टन थे कोहली? क्योंकि विराट कोहली ने सिर्फ टी20 कैप्टनसी से इस्तीफा दिया है, इसलिए टी20 में उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। विराट की कप्तानी में इंडिया ने 45 मैच खेले हैं जिसमें से 27 जीते हैं, जबकि 14 मैच में इंडिया हारी है। यानी विराट की कप्तानी में इंडिया का विन परसेंटेज है 60%। अब बात रोहित शर्मा की कर लेते हैं, क्योंकि कोहली के इस डिसीजन से सबसे ज्यादा खुश तो रोहित शर्मा के फैंस ही हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में उनकी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन एक नजर उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड पर डालें तो रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 123 मैच में से 74 मैच में ही जीती है, यानी कि उनका भी विन परसेंटेज एज कैप्टन 60% ही है। तो ये तो साफ है कि विराट की कप्तानी बुरी नहीं थी, पर फिर भी काफी टाइम से ये बात उड़ती रहती थी कि टीम इंडिया को अब अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की जरूरत है। तो रोहित शर्मा फैन क्लब जो सोचकर बैठा था कि विराट अब सिर्फ टेस्ट की कप्तानी करेंगे और रोहित को टी20 और ओडीआई दोनों की कप्तानी मिल जाएगी, ऐसा अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। विराट ने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए और इंडियन टेस्ट टीम और इंडियन ओडीआई टीम की कप्तानी के लिए रेडी रहने के लिए कोहली टी20 फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं, पर टी20 एज अ बैट्समैन वो खेलते रहेंगे। विराट ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि ये डिसीजन उन्होंने कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के साथ डिस्कशन करके ही लिया है, और अपने इस डिसीजन के बाद उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और जय शाह को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब इस ट्वीट से दो बातें साफ हैं। पहली ये कि विराट ने टी20 कप्तानी से इस्तीफा दिया है, टी20 फॉर्मेट से नहीं, यानी इस साल वर्ल्ड कप के बाद हम कोहली को किसी और की कप्तानी में भी खेलता हुआ देख सकते हैं। और दूसरी ये बात साफ है कि रोहित शर्मा अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे। मतलब ये विराट कोहली ने ट्वीट में नहीं लिखा, लेकिन रोहित शर्मा का अपने ट्वीट में नाम लेने का और क्या ही मतलब है। आपको क्या लगता है, क्या कोहली का टी20 कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन सही है? क्या आपको लगता है कि विराट वाकई में खराब कप्तान थे? रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टनसी रिकॉर्ड तो उनका अच्छा खासा है। या फिर एक नए रोहित शर्मा युग की ये शुरुआत है? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट्स में हिटमैन का टाइम शुरू हो चुका है लिख दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कोहली ही बढ़िया थे, तो कमेंट्स में वी विल मिस यू कैप्टन कोहली लिख दीजिए। क्रिकेट की सारी न्यूज, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहीं पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और देखते रहिए अनकट।